हेलो एवरीवन, मैंने स्टेपलेस असेसमेंट के बारे में बताया था आप सबको, उसका एग्ज़ाम एंड उसका जो उसमें पैटर्न वगैरह क्या है, जो उसका सिलेबस, आज मुझे वो मेल भी मिल गया है। तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि इसमें मेल में हमें कैसे ये मेल मिलेगा और इसमें मेल में हमें क्या क्या करना है। तो इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि आपको इस मेल में क्या करना है, अगर आपको भी ऐसा मेल मिला है अभी तक। तो वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सारे पॉइंट्स जल्दी से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मिलेगा स्टेपलेस असेसमेंट गाइडलाइंस एंड शेड्यूल टाइमिंग वगैरह। तो इस पर मैंने देखो यहाँ पे यस कर दिया है, और यस करते ही यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा कैलेंडर ओपन हो जाएगा और तुम्हें वहाँ पर अपने इसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है और वहाँ पर शेड्यूल कर देना है ये टाइम वगैरह। लाइक मैंने यहाँ पे देखो ये एक्सेप्ट किया, और यहाँ पे देखो सैटरडे 5th, क्योंकि मेरा 5 मार्च को ये असेसमेंट है, तो मैं यहाँ पे मेरा ये ऑटोमेटिकली शेड्यूल सब कुछ हो जाएगा। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन भी आ गई। एंड मेरा ये एग्ज़ाम है 3:30 से 4:45 PM में, मतलब शाम में। तो इन्होंने ये सारी डेट वेट सब स्लॉट्स वगैरह मेरा सब तैयार है, तो आपका भी ऐसे ही आया होगा। और इन्होंने जितने लोगों को ये भेजा है, ये देखो यहाँ पे उनकी भी इन्फो आ रही है, यहाँ पे मेरे पे सारे मेल्स शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैं भी कहीं पे होऊंगा, एंड ये देखो मी, और ये एक्सेप्टेड, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है। तो आपको भी ये एक्सेप्ट करना है ऐसे ही, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाएगा, लॉगिन कर लेना बस उसी मेल से। और यार ये वीडियो मैं जल्दी में बना रहा हूँ, मतलब कोई भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, सिंपली बस रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्क्रीन और ऐसे ही बस बोलता जा रहा हूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। और उसके बाद चलो हम आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करके। मैं यहाँ पे मैसेज क्लिप पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मैसी टाइप का ईमेल है, मतलब एकदम यार लोगों को घबरा जाएंगे ऐसा ईमेल देख के। तो इस पर जब क्लिक करोगे तो तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन एक इस तरीके से तुम्हें मिल जाएगी। मेरा नेट ऑफ था इसलिए मैंने पहले से टैब्स ओपन कर रखी हैं, तो ये मिल गया। चलो अब देखते हैं कि इसमें है क्या। तो पहला तो हम ये तो डियर कैंडिडेट वगैरह ये तो तुम्हें पता ही है क्या है। उसके बाद चलो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे चलते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट में गूगल क्रोम हमारे पीसी में होना चाहिए, और या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज में भी तुम दे सकते हो। फ्लोलेस नेटवर्क होना चाहिए, कनेक्टिविटी मतलब तुम्हारा नेट थोड़ा सही होना चाहिए, मतलब 512 KPS की स्पीड आनी चाहिए। ये पॉइंट बहुत यार इंपॉर्टेंट है, इसमें लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था कि हम मतलब वायर वाला ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं और हेडसेट वगैरह, तो यार तुम्हें वायर वाला ही यूज़ करना है, ये मैंडेटरी है यहाँ पे, ताकि तुम्हारा कम्युनिकेशन सही बना रहे, क्योंकि ब्लूटूथ में यार थोड़ा दूर हो जाता है वो सिस्टम, इसलिए इन लोगों ने पहले से ही मना कर रखा है ब्लूटूथ वाला। और वायरलेस में अगर तुम्हारे पास हेडसेट नहीं है तो तुम ईयरफोन भी यूज़ कर सकते हो। तो इस पॉइंट को यार ज़रूर याद करना, और सारे विप्रो एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर देना अपने यार कलीग्स के साथ भी। और तुम्हारे पास चलो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट पे चलो अब आ जाते हैं कि वर्किंग वेबकैम होना चाहिए, मतलब वेबकैम पहले से अपना यार चेक बैक करके रख लेना अभी से ही। और फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है। फिफ्थ पॉइंट में यार ये है कि इसमें आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को पहले से आप क्लियर करके रखें, क्योंकि और जितने भी पासवर्ड सेव हैं वो सब भी क्लियर करके रख लेना, क्योंकि वहाँ पे मतलब कभी कभी ऐसी लिंक्स में वायरस भी आ जाता है, वो खुद ही इंश्योर करते हैं इस बात को, तो इस चीज़ को भी यार याद रखना। और उसके बाद हमारी जो सिक्स पॉइंट है इसमें कि पॉपअप वगैरह ये कोई भी नोटिफिकेशन इस सबको बंद करके रखना। चलो अब यहाँ पे डिटेल्स ऑफ असेसमेंट पे आते हैं, और यहाँ पे असेसमेंट डेट मेरी है 5th मार्च 2022, किसी का आज भी हो सकता है, मतलब कि जिन्होंने फोर्थ करा होगा। नेम है इसका स्टेपलेस असेसमेंट, और मेरा टाइम स्लॉट है ये, तो इसी तरीके से आपका भी होगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन वहीं पर ही। उसके बाद मोड क्या है ऑनलाइन, ये हम सबको पता है, 52 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होगा हमारा, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार यहाँ पे, कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे इसमें अगर आप फेल हो गए तो क्या करेंगे, तो आप इसमें फेल हो गए तो सिंपली आपको ये manager.campus@wipro.com इनको मेल करना है कि आपने ये क्लियर नहीं किया है, तो आपको अब अभी बिजनेस डिस्कशन राउंड दोबारा देना पड़ेगा, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये चीज़ हमेशा मतलब अभी याद रख लेना, अब इस क्वेश्चन को मत पूछना यार। और अब हमारा आता है प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर द स्टार्ट द असेसमेंट, मतलब चलो अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। फिफ्थ पहला पॉइंट इसमें ये दे रखा है कि हमें 5 मिनट पहले से लॉगिन करके बैठना है, तो यार मैं 5 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 10 मिनट पहले से बैठना, क्योंकि कभी कभी नेट स्लो होता है तो एकदम लॉगिन भी नहीं हो पाता है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में। मैंने खुद अभी किया था तो मेरे को अभी लग गया था 5 से 6 मिनट ऐसे ही। तो आप 10 मिनट पहले से यार बैठना, 5 मिनट का मत रखना। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें दे रखा है कि प्रॉक्टर है वो तुम्हें चैट के थ्रू कॉन्टैक्ट करेगा, और तुम्हें भी उससे मतलब चैट के थ्रू बात करनी है, मतलब तुम रियल टाइम में एकदम यार एग्ज़ाम ये दोगे, तुम्हारी इवन यहाँ पे तुम्हारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी, एंड तुम्हें प्रॉक्टर जो इन्विजिलेटर होगा वो तुम्हें वेबकैम के थ्रू देख रहा होगा प्रॉपर रियल टाइम में। तो कुछ भी माल प्रैक्टिस मत करना, मतलब कि कोई चीटिंग वीटिंग फ़ोन वगैरह या फिर कोई ब्राउज़र में ही अपनी टैब वैब मत ओपन करना। चलो इसमें अब अगला पॉइंट है हमारा, एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ ज़रूर लेके रखना, जो तुम्हारा विप्रो में नेम है, जैसे मेरा नाम अर्पित पटेल मैंने डॉक्यूमेंट्स में करा है, तो मेरा गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में भी अर्पित पटेल होना चाहिए, वो चाहे आधार हो चाहे पैन कार्ड हो, ये सब कुछ लेके रखना। और इवन अपने कॉलेज का आईडी कार्ड होगा वो भी तुम लेके रखना, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है
मोबाइल इज़ स्ट्रिक्टली प्रोविएंटेड, मतलब हाँ ये तो पता ही है ना हम सबको कि हम मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते इसमें। एंड फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा इसमें कि अगर हम पकड़े गए तो हमारे लिए माल प्रैक्टिस में मतलब ट्रीट किया जाएगा, मतलब हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अपने राउंड से। यार इतना आगे आने के बाद डिस्क्वालीफाई कौन होना चाहेगा, तो कोई भी गलत प्रैक्टिस मत करना इसमें। चलो और एक चीज़ और, हाँ इसमें जो हमारी जो मशीन मतलब हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप है वो बंद नहीं होना चाहिए ना रीसेट होना चाहिए जब हम असेसमेंट दे रहे हों, क्योंकि हम जो लीड पे आगे गए होंगे सेक्शंस वाइज हमने क्रॉस कर लिए होंगे वो हमें दोबारा करना होगा अगर हमने ऐसा कुछ किया तो। अगर आपका लैपटॉप चार्ज नहीं है तो उसे चार्जिंग पे लगा के ही एग्ज़ाम देना, ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारा है डू नॉट मूव अवे फ्रॉम द वेबकैम टिल द असेसमेंट, मतलब कि हमें अपने वेबकैम के आगे से हटना नहीं है जब तक हमारा ये असेसमेंट पूरा नहीं हो जाता, और हमें कोई अगर टेक्निकल इशू फेस हो रहा है तो हम अपने प्रॉक्टर से इमीडिएटली चैट कर सकते हैं एंड सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं उनसे। अगला हमारा पॉइंट है इसमें लॉन्चिंग एनी अदर एप्लीकेशन, जो मैंने बताया था कोई भी टैब वगैरह या कोई ऐप ओपन मत करना क्योंकि तुम्हारी रियल टाइम में स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही होगी और प्रॉक्टर उसको मॉनिटर कर रहा होगा, इवन तुम्हारे फेस को भी और तुम्हारी स्क्रीन को भी, तो तुम चीटिंग तो यार भूल ही जाओ बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ कह रहा हूँ यार मैं क्या बोल रहा हूँ, जल्दी में बोल रहा हूँ। तो अगला पॉइंट है हमारा प्लीज़ डू नॉट क्लिक रिफ्रेश और फॉरवर्ड बटन, मतलब रिफ्रेश मत करना, बैक फॉरवर्ड मत करना, जो प्रोसेस चल रहा है उसी के हिसाब से चलना तो वो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, वरना तुम्हारा एग्ज़ाम भी मतलब आगे पीछे हो जाएगा और वो तुम्हारी जो लीड तुमने पकड़ी होगी वो तुम्हें शुरू से करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ मत करना। और यहाँ पे फिर अगला पॉइंट है टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम अदर, मतलब तुम्हें किसी और की यहाँ पे हेल्प नहीं लेनी है इस एग्ज़ाम को देने, अगर तुम ऐसा करते हुए पकड़े गए तो तुम फिर से, मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो इन पॉइंट्स को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें सबको पता ही है यार। अगला है माई पास प्लीज़ नोट डैट वंस यू लॉग इन टू द मीटिंग लिंक सिस्टम स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड डेजिग्नेटेड प्रॉक्टर विल मॉनिटर योर टेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने ये चीज़ अभी तुम्हें पहले ही बता दी, तुम्हारा रियल टाइम में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होगी एंड वेबकैम के थ्रू तुम्हें देखा जाएगा, तो कोई चीटिंग करने की प्रैक्टिस मत करना। चलो अगला पॉइंट हमारे पास आता है असेसमेंट कंटेंट इज़ स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल एंड प्रॉपर्टी ऑफ विप्रो, मतलब यार यही है कि ये जो क्वेश्चंस ये हमसे जो पूछेंगे इनको आप यार प्लीज़ रिकॉर्ड मत करना, मतलब और रिकॉर्ड करके ऐसे ही लोग यूट्यूब पे डाल देते हैं, वेबसाइट्स पे डाल देते हैं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है, ये विप्रो की प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब उनके क्वेश्चंस हैं ये बनाए हुए, तो ऐसे उनको नेट पे फैला नहीं सकते आप। और लास्ट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक के लिए सबसे ज़्यादा, यूज़ द गिवन बिलो लिंक टू अटेम्प्ट योर असेसमेंट, मतलब बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे से ये भी, हाँ क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमें कौन सी लिंक पे हम देंगे एग्ज़ाम ये अपना, तो यहाँ पे इन्होंने हमें लिंक दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का, तो हमारा एग्ज़ाम वहीं पे होगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, जब आपका शेड्यूलिंग टाइम हो तो इस लिंक पे क्लिक करना एंड वहाँ पे आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। अब ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी, होप मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए होंगे इस वीडियो में, और स्टेप प्लस के लिए आप रेडी रहना, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और मैंने ये वीडियो को मैं कुछ एडिट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पे खुद टाइम नहीं है अभी इतना, तो मैं अभी बस इसको ऐसे ही अपलोड कर रहा हूँ, और आई होप मैंने सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए, अगर कुछ नहीं भी क्लियर है तो वो आप कमेंट्स कर लें और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।